आप स्पेशल इनवाइटी के तौर पर यहाँ पर आए हो, और जैसे हमारे डीसी सर ने बोला कि अभी ये इनॉग्रेशन ऑफ विलेज इज जस्ट द स्टार्ट ना, जस्ट बिगिनिंग है ये, और यहाँ का आगे जो डेवलपमेंटल प्रोसेस होगा और जितना भी यू नो मॉडल विलेज बनने का वो एक वो है वो अभी बाकी है, तो उस पर आपका क्या विचार है और आप क्या कहना चाहते हो यहाँ के लोगों को? सबसे पहले तो मैं जो टाई तरंग के जो लोग हैं, जो विलेजर्स हैं, उन्हें मैं मेरे तरफ से बधाई देना चाहता हूं कि आज ऑफिशियली इस गांव को सरकार ने रिकॉग्नाइज किया कि हाँ ये गांव है। लेकिन जब ऑफिशियली जब रिकॉग्नाइज मिलता है तो उसके साथ में रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आता है, तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी को मुझे आशा है कि ये गांव वाला निभाएंगे। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते समय में अगर कहीं कुछ हमारा रिक्वायरमेंट होता है एज ए पंचायत लीडर, अगर हमारा कहीं में सहयोग होता है तो मैं सहयोग ज़रूर हमारे तरफ से दूंगा। ये एक नया बस्ती क्रिएट किया है यह हमारा आरजीयू का सामने में, तो एक जो भी इधर में आरजीयू में भी काम करने वाला लोग का एक ये बस्ती शेल्टर रूम जैसे होगा, एकोमोडेशन प्रॉब्लम होता है और इधर कोई लोग बैठा है, तो ये एक दैमू के लिए एक नया विलेज होगा और ऑल इंडिया में उसका कोड नंबर आ गया लास्ट 881, मतलब 1 जो है इस बस्ती का कोड नंबर होगा ऑल इंडिया का लिस्ट में, चेंचस में ये आ गया है। इस बस्ती के लिए हम लोग क्या क्या करना है, जो मेमोरेंडम 4 पॉइंट मेमोरेंडम दिया है सीसी रोड के लिए, हम तो कमेंट कर दिया कि उसको पंचायत की तरह से उसको काम कर सकेगा, क्योंकि रोड का लेंथ इतना बड़ा तो नहीं है। और सेकंड जो है ट्रांसफॉर्मर का बारे में, विलेज जब डेवलप होता है जब बिजली का ज़रूरी है, और इस बिजली के लिए वो लोग हमको मेमोरेंडम हमारा ग्राम चेयरपर्सन ने दिया है, इसके लिए हम डीसी साहब को हम बोल दिया कि अन टाइप 5 से इसको, और जितना हो हमारा यही पावर को भी हम बोल दिया। और इसके साथ साथ जो एक रोड का बारे में बोला है, अल्टरनेटिव रोड जो सिर्फ ताइंग तरंग को नहीं चाहिए, सारे ये यूनिवर्सिटी को भी चाहिए अल्टरनेटिव रोड। जो एग्जिस्टिंग जो रोड है वो बहुत स्टीप है, प्लस नोज कार्व है, तो इसके लिए हम लोग अल्टरनेटिव रोड के लिए लास्ट हमारा सरकार को मैप प्लेस करेगा, और जो जो मांगा है जैसे जीबी के लिए विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो चलाना है स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बस्ती को रूल कानून नियम नीति से चलाना है, तो इसके लिए हम लोग उसके लिए भी हम बोल दिया डीसी साहब को, हम प्लेस कर दिया कि उसका जीबी का क्रिएशन जो अपॉइंटमेंट देना है मेमोरेंडम में जो दिया है उसको हम लोग देगा बोल करके, हम लोग का तरफ से चीज़ को हम लोग डेवलपमेंट एक्टिविटी को करेगा बोल करके 100% हम लोग एश्योरेंस दिया है। अभी साथ देना बस्ती का दूती बनता है कि, और सरकार की तरफ से एक मैं स्थानीय विधायक होने की तरफ से मैं जो डेवलपमेंट करना है हम करेगा।